अस्सलाम वालेकुम, क्लास हमारा बायो का लेक्चर नंबर 20 है। हम कर रहे हैं होमोस्टेसिस इन ह्यूमन। फर्स्ट हमारा होमोस्टेसिस जो ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। हमें पता है स्किन की टू लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है स्किन की, उसे कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, विदाउट ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। वाइल डर्मस, ये इनर लेयर है, इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, दो लेयर है, एपिडर्मस जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, एंड डर्मस जिसमें ब्लड वेसल्स हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, हेयर्स एंड फैट सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास इनर लेयर है यानी कि डर्मस है, उसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल होते हैं, हेयर होते हैं, हमारी नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, स्किन परफॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ये थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती है हमारी स्किन, यानी कि हमारी स्किन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है। इसका मतलब क्या है, द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। फर्स्ट लेयर बात क्या होगी, थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स, हमारी जो डर्मस है उसके नीचे फैट सेल्स की एक लेयर होती है जो कि हमारी बॉडी को क्या कर रही होती है, इंसुलेट कर रही होती है। ठीक है, इंसुलेट की टेम्परेचर को कम या ज़्यादा नहीं करनी थी, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे मेंटेन रखती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर फॉर्म्स गूज बम्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। क्या होता है सर्दी में, ये नॉर्मली ठंडी मौसम की बात कर रहे हैं, कि फैट लेयर्स हैं जो हमारी बॉडी को इंसुलेट करती हैं, मतलब हीट को बाहर नहीं निकलने देती। दूसरी बात, ये हमारे जो हेयर, हमारे जो जो बाल हैं हमारी स्किन के ऊपर, उसके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होता है सर्दियों में हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, रेजअप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अब जो जो एयर है आपकी उसका ब्लैंकेट बन जाता है, वो ब्लैंकेट एयर का एक लेयर बन जाती है बालों के अंदर, जो कि एज अ ब्लैंकेट कवर काम करती है। सिमिलरली स्किन हैव बीन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। पीछे जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए विंटर के लिए था, यानी कि सर्दियों में आपकी बॉडी किस तरह टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब आपके कूलिंग इफेक्ट यानी कि गर्मियों में किस तरह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। कूलिंग इफेक्ट कौन कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है आपकी बॉडी को ठंडा इफेक्ट देना होता है, कूल करना होता है, तो क्या होता है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट इज कैप। ठीक है, जब स्वेटिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपका पसीना बनता ही नहीं, आपकी बॉडी से स्वेट वेपोरेट हो रहा था, पानी वेपोरेट हो रहा था, तो क्या कर रहा था, एक्चुअली आपकी बॉडी का पानी आपकी बॉडी की हीट को अब्जॉर्ब करके वेपोरेट हो रहा होता है। तो इट्स मीन कि वो आपकी बॉडी की हीट को कम कर रहा है। बॉडी हीट इज कैप थ्रू वेपोरेशन, मेटाबॉलिज्म वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। तो स्वेट आपको देखिए, आपकी स्वेट नॉर्मली सॉल्टी टेस्ट का होता है, तो जो आपकी बॉडी के साल्ट हैं, जो वेस्ट साल्ट हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो भी स्वेट के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होमोस्टेसिस ऑर्गन है लंग्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो लंग्स का काम क्या है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल करना। ओवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो ग्लूकोज वगैरह वो हजम हो रही थी, डाइजेस्ट हो रही होती है, तो उसके लिए देह में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू टिश्यूज फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से किस में जाएगी, पहले फ्लूइड में जाएगी यानी टिश्यू के फ्लूइड में, और वहाँ से किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर। ठीक है, जनरल मैथड जो आप हमेशा स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।